Welcome back, Avatiros. You're watching The Morning Star, and what a moment of joy right now. I'm with a very dear friend of mine. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हमारे पास आज सेट पे हमसे मिलने के लिए आई हैं और इनकी मुलाकात का एक मकसद भी है. वो मकसद क्या है वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम द वेरी प्रिटी द मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल एक्टर ऑफ द मोमेंट ऑन OTTs इज किंजा हाशमी. हेलो, थैंक यू सो मच. किंजा, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन. जो रुपोश इज सच अ बिग हिट. थैंक यू. वो कितना बड़ा हिट है. रुपोश इज लाइक I think Rupoosh is the biggest hit right now. जी, अल्हम्दुलिल्लाह. आपने देखी है? मैंने देखी है और मैं देख रहा था कि किंजा, the way they've shot it और वो सारी acting and Haroon has also done a wonderful job. मेहनत है सबकी, पूरी टीम की. Like हमने 12 घंटे से भी ज्यादा काम किया उसमें, 18 घंटे काम किया. मेरे ख्याल से इतना सक्सेसफुल कोई टेलीफिल्म कभी भी नहीं हुई है. नहीं, कभी भी नहीं. हाँ, इतनी ज़्यादा 100 मिलियन होने वाले. 100 मिलियन, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. बट किंजा को मैं जानता हूँ तकरीबन कोई 6-7 साल से, एंड किंजा बहुत छोटी थी व्हेन शी जॉइंड द इंडस्ट्री. बट एक चीज जो मैं बात बताऊँ, किंजा आई हैव नेवर सीन हर फूल अराउंड ऑन सेट्स. तुम इतना सीरियस किंजा, एक तुम्हारा डिमीनर होता है, यू आर ऑलवेज रीडिंग द स्क्रिप्ट. आई हैव नेवर सीन यू ऑन सोशल मीडिया, तुम वीडियो ज्यादा बना रही हो या कुछ कर रही हो, और उसी के बरक्स All your work is now going on the social media. Alhamdulillah, Alhamdulillah. मुझे कल ही मरियम अंसारी के साथ मैं प्ले कर रही हूँ, तो वैसे तो ऑफ द कैमरा ही मिले हम लोग हमेशा, ना इधर उधर. तो कल पहला दिन था उनका मेरे साथ, तो शी वॉज लाइक कि मुझे लगा था हम इतने दिन से इंतजार करी थी, किंजा आएगी तो मज़ा आएगा, बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे. तुम तो बोलती नहीं हो भाई, सेट में क्या हो गया? मैंने कहा यार एक्चुअली मैं कैरेक्टर के अंदर हूँ, तो मैं लाइंस याद करना, चीज़ें करना, और मैं कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपने आप को रखूँ सेट पे. तो ये जो बातें हैं ये हम रात में घर पे करेंगे, अभी काम कर लेते हैं. किंजा, वैसे भी मैंने देखा है कि तुम्हारी बड़ी एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ है. यू नो, व्हेनेवर आई हैव वर्क्ड विद यू, अभी रिसेंटली ओनली एक साल तकरीबन हुआ है अभी, You know, you used to sleep early. तुम जल्दी सबसे पहले, मैं sorry late हो जाता था, but you used to be on set on time. और कोई भी एक मतलब, have you always been this serious in life? या अब जाके थोड़े अरसे के बाद के नहीं, अगर आगे बढ़ना है तो इतना मुझे serious होना पड़ेगा? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं देखा जाए showbiz में आने से पहले मैं serious नहीं थी. Like मैं सोती सुबह 4-5 बजे थी और फिर उठती 3-4 बजे थी. और पहला प्ले जब मैंने किया था तो यही हुआ था कि एक दिन शूट किया, अगले दिन मैंने फ़ोन उठाया और कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकती, और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया. और उसके नेक्स्ट डे जब मैं शूट पे गई तो मेरे शूट पे मेरे डायरेक्टर बिल्कुल बच्चों की तरह मेरे ट्रीट करते थे सेट पे. तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं कर रहा मुझसे. तो मैंने कहा यार मैं कल नहीं आई, शायद इस वजह से बात नहीं कर रहे, तो क्या हुआ अगर नहीं आई तो? तो ही वॉज़ लाइक कि आपको पता है कल आप नहीं आई और कल की शूट नहीं किया मैंने, और सब आए थे लेकिन किसी ने, क्योंकि काम ही नहीं हुआ, कोई एक सीन भी नहीं हुआ, तो किसी की दिहाड़ी नहीं बनी आपकी वजह से, और इन बच्चों में से कोई एक होगा जिसके घर पे चूल्हा नहीं चला होगा आपकी वजह से. उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे बोला कि इस पर वो देना है और ये देना है, कुछ भी हो जाए, बीमारी भी है तो मैं कहती हूँ घर बैठ के क्या करूँगी, सेट पे कोई देख तो लेगा, सेट पे चली जाती हूँ. लेकिन आजकल जो बीमारियाँ फैली हैं तो बेहतर घर पे रहा. हाँ. आजकल की बीमारियों ने ऐसे आपको घर पे बिठाएंगे प्लीज, उस पे आप चले जाते हैं लेकिन वो आपको घर भेज देते हैं. वो कहते हैं कि भाई आप प्लीज घर जाएं, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं आप वापस आइए.